हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सदफ फूड डायरीज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अरबियन पफ की रेसिपी। लेट्स मूव टू द इंग्रेडिएंट्स। एज यू कैन सी, मैंने इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर मेंशन कर दिए हैं, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बोनलेस चिकन 500 ग्राम्स, जिसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हॉट सॉस 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका आप डाल सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला था, रेड चिली सॉस वो भी 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून। उसके बाद मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। यहाँ मैं इसको अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर दूँगी। इसको अब मैं रख दूँगी हाफ एन आवर के लिए मैरिनेट होने। यहाँ मैंने लिया 500 ग्राम फ्लावर, जिसमें मैं डालूँगी इंस्टेंट यीस्ट 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका आप डाल सकते हैं, वो वीडियो मैं शूट करना भूल चुकी हूँ। अब मैं अपनी डो को रख दूँगी 1 घंटे के लिए रेस्ट, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ मैं ले रही हूँ फ्राइंग पैन, जिसके अंदर मैं 2-3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल रही हूँ। इसको मैं प्री हीट करने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसके अंदर अपनी मैरिनेटेड चिकन ऐड कर रही हूँ, जो मैंने मैरिनेट की थी हाफ एन आवर के लिए। आप चाहें तो 1 आवर के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं, ताकि आपकी चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसको मैं अच्छे से पकाऊँगी। यह मैं अपने चिकन को कवर होकर रख दूँगी 15-20 मिनट्स के लिए कुक होने। मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से चेक करती रही हूँ कि मेरी चिकन अच्छे से कुक हुई या नहीं। आप उसको अगर ना कुक हो तो 5 मिनट्स के लिए और कुक कर सकते हैं। मेरी चिकन यहाँ अच्छे से कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। मैं इसमें यहाँ पे अपनी कैप्सिकम 1 कैप्सिकम और 2 ग्रीन अनियंस, जो मैंने अच्छे से चॉप जूलियन कटिंग में की थी, वो मैं ऐड करूँगी और उसको सौते करूँगी। उसके बाद मैं उसके अंदर रखूँगी एलुमिनियम फॉइल, जिसके अंदर मैं डालूँगी कोयला और थोड़ा सा ऑयल, और उसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि उसके अंदर थोड़ी सी स्मोकी फ्लेवर ऐड हो जाए। यह मैं इसको रिमूव कर दूँगी और स्पैचुला से अच्छे से स्टिर करूँगी, और एक टॉर्टिला की शेप दूँगी अपनी डो को। उसके अंदर मैं ये सारे मेथड डालूँगी और थोड़ी सी चीज़ डालूँगी जो मैंने 250 ग्राम्स ली थी। इसको मैं फोल्ड कर दूँगी, अपने हैंड से थोड़ा सा प्रेस करूँगी, फिर मैं फॉक की हेल्प से उसको शेप दे दूँगी, जैसे आप मेरे देख। उसके बाद मैं एग को बीट करूँगी अच्छे से, जो मैंने 2 एग लिए थे। उसके बाद ब्रेड क्रम्स और एग में अच्छे से मैं उसको डिप करके फोल्ड करके ऑयल में अपने डालूँगी, जो मैंने साथ में अपने ऑयल रखा हुआ था फ्राइंग पैन में। अच्छे से प्री हीट हो चुका है मेरा। अब ये देख सकते हैं आप, ये मेरी अच्छे से कुक हो चुकी है। नाउ इट्स रेडी टू ईट। अब आप ख़ुद भी इंजॉय करें, बच्चों को इंजॉय कराएं। आई होप यू गाइज इंजॉयड इट। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।